नमो नमः। सुप्रभातम दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, समास के अंतर्गत जो तत्पुरुष समास होता है वह प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रदान तत्पुरुष समास, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, या यूं कहे उत्तर पद प्रदान होता है। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अतः इस समास को उत्तर पद प्रधान समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास में भी पूर्व प्रयोग के लिए उपसर्जन संज्ञा के नियम का प्रयोग होता है, अतः समास विधायक सूत्र में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है, जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है, मतलब समास विधायक जो सूत्र रहेगा उस सूत्र में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है उस पद के द्वारा विग्रह वाक्य में निर्दिष्ट पद का पूर्व प्रयोग होगा। अर्थात दोस्तों, जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है उसमें पूर्व प्रयोग होता है, उस शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। यदि हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिंग निर्धारण की बात करें तो दोस्तों, एक परिभाषा है परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो, सूत्र है परवलिंग लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। द्वंद्व और तत्पुरुष समास में समस्त पद के लिंग का निर्धारण प्रायः उत्तर पद के लिंग के अनुसार होता है। उत्तर पद जिस लिंग का होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो समस्त पद भी उस उत्तर पद के अनुसार ही लिंग में बदल जाएगा। अर्थात जैसे उत्तर पद यदि स्त्रीलिंग है तो समस्त पद स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, या समस्त पद स्त्रीलिंग में आ जाएगा। और यदि उत्तर पद पुल्लिंग का है तो समस्त पद भी पुल्लिंग का ही हो जाएगा। अब जिस प्रकार से हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा था उसमें पूर्व पद अव्यय था और समास होने के पश्चात पूरा पद ही अव्यय हो जाता था, तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों उत्तर पद का जो लिंग होगा वही समस्त पद का क्या होगा, लिंग होगा। ठीक है दोस्तों, विग्रह वाक्य के पदों में स्थित विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया है। विग्रह वाक्य जब करते हैं हम दोस्तों, लौकिक विग्रह करते हैं और अलौकिक विग्रह करते हैं, तो विभक्तियों के आधार पर, विभक्तियां जो प्रथमा द्वितीय इत्यादि होती है, ठीक है दोस्तों, उन विभक्तियों के आधार पर क्या होता है, तत्पुरुष समास के दो भाग माने गए हैं, या तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया है। और नंबर एक है दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जब विग्रह किया जाए, जब हम विग्रह करते हैं, लौकिक और अलौकिक विग्रह करते हैं, तो विग्रह वाक्य में विभक्तियां समान हो, जो विग्रह वाक्य करेंगे अलौकिक विग्रह करेंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विभक्तियां समान हो, तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे पूर्व पद में यदि प्रथमा विभक्ति है और द्वितीय पद में भी प्रथमा विभक्ति है तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब हम दोस्तों तत्पुरुष समास के अंतर्गत दूसरे भेद की बात करते हैं। दूसरे भेद का नाम है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जब विग्रह किया जाए, अर्थात जब हम विग्रह करते हैं, तो विग्रह वाक्य में विभक्तियां असमान होती है, जब समान होती है तो समानाधिकरण, और जब समान नहीं होती है तो वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास में दोस्तों, जैसे प्रथम पद में यदि प्रथम व्यक्ति है और द्वितीय पद में यदि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, कौन सी भी व्यक्ति है, तो वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हम दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष के भेद और व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। दोस्तों जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत पहला भेद है दोस्तों विशेष विशेषण पूर्व पद कर्मदार्य, विशेषण पूर्व पद कर्मदार्य, विशेषण पूर्व कर्मदार्य द्वितीय से सप्तमी तत्पुरुष तक होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये द्वितीय से सप्तमी तत्पुरुष समास, ये
इसका भेद नहीं है, ये विभक्ति तत्पुरुष समास का भेद है, ठीक है। यहाँ मतलब इसका है विशेषण पूर्व पद कर्मधारी होता है समानाधिकरण, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारी होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और विशेषणोभय पद कर्मधारी होता है विशेषणो उभय पद कर्मधारी, ये भी समानाधिकरण होता है। उपमान पूर्व पद कर्मधारी, ये भी समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद है। उपमेय पूर्व पद कर्मधारी, ये भी समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद है। और द्विगु समास, ये भी समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद है। इस प्रकार से समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 भेद हैं। नंबर 1 विशेषण पूर्व पद कर्मधारी, नंबर 2 विशेष्य पूर्व पद कर्मधारी, नंबर 3 विशेषण उभय पद कर्मधारी, नंबर 4 उपमान पूर्व पद कर्मधारी, नंबर 5 उपमेय पूर्व पद कर्मधारी, नंबर 6 द्विगु समास, ठीक है दोस्तों। ये 6 समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। और यदि हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास की बात करें दोस्तों, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत पहला भेद है दोस्तों विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष समास ये प्रथमा मतलब द्वितीय विभक्ति से लेकर के तत्पुरुष समास तक होता है, द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष समास होता है, जो क्या कहलाता है विभक्ति तत्पुरुष समास कहलाता है। उसके बाद दोस्तों व्यधिकरण समास का दूसरा भेद है अवयवा अव्ययी तत्पुरुष समास, अवयवा व्ययी तत्पुरुष समास। नंबर 3 नय तत्पुरुष समास, नंबर 4 कुगति, ये गे और लिख लेना कुगति तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों कुगति तत्पुरुष समास। अगला है दोस्तों गति तत्पुरुष समास, नंबर 5 गति तत्पुरुष समास, नंबर 6 प्रादि तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से व्यधिकरण के भी 6 भेद हैं दोस्तों। पहले हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे दोस्तों, और उसमें सबसे पहले विभक्ति तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं जो द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक होती है। इस समास में पूर्व पद द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियों वाला होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद जो होता है उसमें द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियाँ होती है, और इन द्वितीयांत तृतीयांत जो आदि पद हैं पदों का ही पूर्व प्रयोग होता है, जिसमें द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, आदि पदों का ही इस समास में क्या होता है पूर्व प्रयोग होता है। यहाँ विग्रह वाक्य में विभक्तियाँ अलग अलग होती है, यहाँ विग्रह वाक्य में विभक्तियाँ अलग अलग होती है। विभक्तियाँ अलग अलग होने के कारण यह व्यधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, या यूँ कहें दोस्तों अलग अलग विभक्तियाँ होने के कारण ही इस समास को व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब दोस्तों हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्ति समास पढ़ रहे हैं, विभक्ति तत्पुरुष समास, तो इसके अंतर्गत द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं दोस्तों, द्वितीय विभक्ति वाला। और इसका सूत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग इसमें से पूछा जाता है, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई। अर्थात दोस्तों द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का, द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का श्रित अतीत पतित गत एतस्त प्राप्त आपन शब्दों के साथ समास हो जाता है, और द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाता है। जिसमें द्वितीय विभक्ति हुई है ऐसे ऐसे विभक्ति वाले शब्द हैं उनका पूर्व प्रयोग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और द्वितीय विभक्ति अंत वाले जो शब्द हैं उनका किन किन शब्दों के साथ होता है, श्रित अतीत पतित गत एत्यस्त प्राप्त और आपन, इन शब्दों के साथ में तत्पुरुष समास होता है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः, ये सामासिक या ये कहें समस्त पद है ये, ठीक है दोस्तों। कृष्ण श्रितः ये समस्त पद है, और ये है लौकिक विग्रह है, कृष्णम श्रितः, ये क्या है दोस्तों लौकिक विग्रह है, लौकिक विग्रह, और यह है अलौकिक विग्रह है, ठीक है दोस्तों अलौकिक।
कृष्णम श्रितः, यह कृष्ण श्रित का क्या है, लौकिक विग्रह है, और कृष्ण अम श्रितसु यह अलौकिक विग्रह है। और इसमें दोस्तों अम जो है ये द्वितीय विभक्ति के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एकवचन का है और कृष्ण शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो ये कृष्ण शब्द का मतलब द्वितीय विभक्ति अंत वाला ये शब्द है, इसलिए इसका पूर्व प्रयोग रहेगा और श्रित शब्द जुड़ करके क्या बन जाएगा, कृष्ण श्रितय बन जाएगा। समास करेंगे, समास के बाद में अम और जो सु विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, कृष्ण और श्रित बचेगा। और कृष्ण और श्रित बचने के पश्चात हम क्या करेंगे, कृष्ण का पूर्व प्रयोग कर लेंगे और पूर्व प्रयोग होने के पश्चात सु और इसका विभक्ति सुविभक्ति आएगी और सु का विसर्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और क्या बन जाएगा, कृष्ण श्रितः। इसी प्रकार से राम, रामः श्रितः, रामम श्रितः, राम श्रित का लौकिक विग्रह क्या होगा, रामम श्रितः, और राम अम श्रितसु और क्या बन जाएगा, रामः श्रितः। विष्णु श्रितः ये भी बन जाएगा, विष्णुम श्रितः, ठीक है दोस्तों, विष्णुम श्रितः, विष्णु अम और श्रित सु, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, विष्णु श्रितः। अगला उदाहरण है दोस्तों नरक पतितः, नरक पतितः, ठीक है दोस्तों, नरकम पतितः यह लौकिक विग्रह हो जाएगा, नरक अम और पतित सु यह अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और समास होने के पश्चात, तत्पुरुष समास होने के पश्चात सूत्र कौन सा है, द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई सूत्र, सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा और समास होकर के विभक्तियों का लोप हो जाएगा। लोप होने के पश्चात नरक और पतित ऐसे शेष रहेगा, तो नरक का पूर्व प्रयोग होकर के क्या बन जाएगा, नरक पतितः, सु का विसर्ग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, नरक पतितः, नरक में पड़ा हुआ, नरकम पतितः, नरक में पड़ा हुआ। कूप पतितः, कूपम पतितः, इसका विग्रह क्या करोगे दोस्तों, यह समस्त पद है कूप पतित, जैसे नरक पतित है इसी प्रकार से कूप पतित बनेगा, अर्थात कूपम पतित, कूप अम और पतित सु और क्या बन जाएगा, कूप पतित। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है गर्त पतित, गर्तम पतित, गर्त अम पतित सु और क्या बन जाएगा, गर्त पतित। और नरक, जिस प्रकार से नरक पतित है बनाया था उसी प्रकार से शोक पतित बन जाएगा, शोकम पतित, शोक अम पतित सु और क्या बन जाएगा, शोक पतितः। दुखम अतीतः, दुखम अतीत, दुखातीत जो है उसका लोक विग्रह हो जाएगा, दुखम अतीतः, दुख अम अतीत सु यह अलोक विग्रह हो जाएगा और क्या बन जाएगा, दुखातीतः, दुख में पड़ा हुआ। सुखातीत, सुखातीत भी क्या बनेगा दोस्तों, सुखम अतीतः, क्या बन जाएगा, सुखम अतीतः, सुख अम अतीत सु और क्या बन जाएगा, सुखातीत। स्वर्गम गतः, स्वर्गम गतः, स्वर्ग में पहुंचा हुआ, स्वर्ग अम गत, गत और सु और क्या बन जाएगा, स्वर्ग गतः, क्या बन जाएगा, स्वर्ग गतः। स्वर्ग गते का लौकिक विग्रह क्या होगा, स्वर्गम गतः, अलौकिक विग्रह क्या होगा, स्वर्ग अम गत सु और समस्त पद स्वर्ग गतः, ठीक है। और इसमें समास की बात करें तो तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, व्यधिकरण, और व्यधिकरण के अंतर्गत कौन सा है, विभक्ति तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण है सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्त है, समस्त पद क्या है, सुख प्राप्त है, इसका लौकिक विग्रह होता है सुखम प्राप्त है, सुख अम प्राप्त सु और क्या बन जाएगा, सुख प्राप्त है, सुख को प्राप्त किया हुआ। कूपम अत्यस्त, कुएं से पार, कूपम अत्यस्त, कुएं से पार, कूप अम अत्यस्त सु और क्या बन जाएगा, कूपात्यस्त, क्या बन जाएगा, कूप, कूपात्यस्त, कुएं से पार, ग्रामात्यस्त, गांव से पार, ग्रामम, ग्रामात्यस्त का लौकिक विग्रह क्या होगा, कूपम अत्यस्त की तरह ग्रामम अत्यस्त और ग्राम अम और अत्यस्त सु, इस प्रकार से ग्रामात्यस्त बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेगान अत्यस्त, मेगात्यस्त, क्या बन जाएगा, मेगात्यस्त, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा, मेघान अत्यस्त में मेघ शब्द से क्या होगा, सु औजस अम, अम आता है द्वितीय एक वचन में, ये बहुवचन शब्द है इसलिए क्या आएगा, द्वितीय द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या आएगा, मेघ सस, मेघ सस और अत्यस्त सु, ठीक है दोस्तों, और क्या बन जाएगा, मेघा त्यस्त। संकटम आपन्नः, संकटम आपन्नः, क्या बनेगा, संकटम आपन्न का
संकट अम और आपन्नशु और क्या बन जाएगा संकटापन्नः, क्या बन जाएगा संकटापन्नः, संकट में पड़ा हुआ। ये तो मूल पद है, ठीक है दोस्तों, ये लौकिक विग्रह है, यह अलौकिक विग्रह है, और संकटापन्ने का संकटम आपन्नः, संकट अम आपन्नशु, ठीक है दोस्तों, भयम आपन्न भयापन्नः, ठीक है दोस्तों, भयम आपन्न भयापन्न बन जाएगा। अब हम अगले सूत्र की बात करें दोस्तों, तो सूत्र है गम्यादीनाम उपसंख्यानम, गम्यादीनाम उपसंख्यानम, गमी पिपासु बुभुक्षु चिकीर्षु शुश्रूषु, द्वितीय विभक्ति वाले पद का गमी आदि, द्वितीय विभक्ति वाले जो पद हैं उनका गमी पिपासु बुभुक्षु चिकीर्षु शुश्रु आदि पदों, मतलब गमी पिपासु बुभुक्षु चिकीर्षु शुश्रु के साथ भी समास कार्य हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे ग्रामम गमी, ग्राम अम गमीसु, ठीक है, ग्राम अम गमीसु, और क्या बन जाएगा ग्राम गमी, क्या बन जाएगा दोस्तों ग्राम गमी। अगला उदाहरण है रसम पिपासु, रस अम पिपासु सु, रस पिपासु, क्या बन जाएगा रस पिपासु, और विसर्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, रस पिपासु बन जाएगा। फिर अगला उदाहरण है अन्नम बुभुक्षु, अन्न अम बुभुक्षु सु, अन्न बुभुक्षु, और विसर्ग होके अन्न बुभुक्षु बन जाएगा। कार्यम चिकीर्षु, कार्ये अम चिकीर्षि चिकीर्षु सु, और कार्य चिकीर्षु बन जाएगा, और विसर्ग होकर के कार्य चिकीर्षु बन जाएगा। इसी प्रकार से गुरुम शुश्रूषा शुश्रूषु, ठीक है। अगला सूत्र है दोस्तों तृतीया तत्पुरुष समास का, तृतीया तत्कर्तार्थेन गुणवचनेन, बहुत ही अच्छा या महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों तृतीया तत्पुरुष समास का। अब से पहले जो हमने पढ़ा था वे द्वितीया तत्पुरुष समास के सूत्र थे, उदाहरण थे, अब हम तृतीया तत्पुरुष समास के अंतर्गत तृतीया तत्कर्तार्थेन गुणवचनेन सूत्र को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा है या इसका अर्थ है तृतीया विभक्ति अंत वाले शब्द का, तृतीया विभक्ति अंत वाले शब्द का। पहले क्या था द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्दों का, श्रित अतीत आदि शब्दों के साथ में जो समास हुआ था वह द्वितीय तत्पुरुष समास था। अब तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्दों का गुणवाची तत्कृत उसके द्वारा संपन्न किए हुए के साथ एवं अर्थ शब्द के साथ समास हो जाता है। गुणवाची तत्कृत उसके द्वारा संपन्न किए हुए के साथ एवं अर्थ शब्द के साथ, अर्थ शब्द के साथ समास हो जाता है। कौन सा तृतीय तत्पुरुष समास और तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाता है। तृतीय विभक्ति वाला जो शब्द होगा उसका क्या हो जाएगा पूर्व प्रयोग हो जाएगा। अब से पहले वाले में क्या था द्वितीय विभक्ति वाले का पूर्व प्रयोग हुआ था, अब हम तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास जो पढ़ रहे हैं तृतीय तत्पुरुष समास उसमें तृतीय विभक्ति वाले शब्दों का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। अब हम इसके उदाहरण की बात करें तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट उदाहरण है संकुलाखंडः, क्या है संकुलाखंडः, ठीक है दोस्तों, इसका लौकिक विग्रह है संकुलयाखंडः, शंकुलयाखंडः दोस्तों। संकुला जो शब्द है वह क्या है संकुला, ये संकुला शब्द है, ठीक है, संकुल नहीं है संकुला है, ये संकुला उल्टा, ठीक है दोस्तों। संकुलया खंड मतलब संकुला टा खंडसु, संकुला में क्या है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो संकुलया बनेगा तृतीय एक वचन में। जैसे रमा शब्द या आपने लता शब्द याद किया होगा, लता लते लता प्रथमा, लताम लते लता द्वितीय, लतया, इसी प्रकार से संकुलया मतलब तृतीय व्यक्ति का ये रूप है, और खंड प्रथमा एक वचन का रूप है तो संकुला शब्द के साथ में टा व्यक्ति जुड़ेगी तृतीय एक वचन में, और खंड और सु, और यहाँ पर समास होने के पश्चात में टा और सु का लोप हो जाएगा, संकुला खंड इस प्रकार से रूप बचेगा, और हम क्या करेंगे समस्त पद का प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लेकर के आएंगे, और सु का क्या करेंगे अनुबंध लोप करेंगे, से बचेगा से का रू होकर के रे के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, और क्या बनेगा संकुला खंड, क्या बनेगा संकुला खंड, सरुति से किया हुआ टुकड़ा, क्या कहेंगे उसे हम संकुला खंड। अगला उदाहरण है धान्येन अर्थ, धान्येन अर्थ है, इस समस्त पद है धान्यार्थ,
धान्येना अर्थ यह लौकिक विग्रह है, धान्य टा और अर्थसु यह अलौकिक विग्रह है, और अलौकिक विग्रह के पश्चात क्या करेंगे, समास करेंगे और विभक्ति का लोप हो जाएगा टा और सु का, और धन्य और अर्थ ऐसी स्थिति में धन्य में जो ए है और अर्थ में जो ए है इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आदीर्घ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, धन्यार्थ क्या बन जाएगा, धन्यार्थ बन जाएगा और समास होकर के सु आएगा और विसर्ग बन जाएगा धन्यार्थ धान्य के लिए। पुण्येन अर्थ पुण्यार्थ पुण्येन अर्थ पुण्येन अर्थ पुण्यार्थ मूल शब्द क्या है इसमें या समस्त पद क्या है, पुण्यार्थ इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा पुण्येन अर्थ, पुण्य टा यह अलौकिक विग्रह होगा और क्या बन जाएगा पुण्यार्थ। हरिणा त्रातः हरिणा त्रातः इसकी बात करें तो दोस्तों हरि टा त्रातसु यह अलौकिक विग्रह है और क्या बन जाएगा हरि त्रातः, क्या बन जाएगा हरि त्रातः। पठनेन अर्थ पठनेन अर्थ में क्या हो जाएगा दोस्तों, पठनार्थ बनेगा, पठनेन अर्थ का है पठन टा अर्थसु, पठन टा अर्थसु अलौकिक विग्रह होगा और विभक्तियों का लोप होकर के पठन अर्थ और ए मिलकर के आ हो जाएगा, पठनार्थ बनेगा सु आएगा और विभक्ति का क्या हो जाएगा सु का अनुबंध लोप होकर के से बचेगा और विसर्ग हो जाएगा पठनार्थ पढ़ने के लिए। इसी प्रकार से गमनार्थ ठीक है गमनार्थ बन जाएगा गमनेन अर्थ गमनार्थ। दंडेन खंड दंडेन खंड दंड टा खंड सु दंड खंड दंड खंड क्या है समस्त पद है, डंडे से किया हुआ टुकड़ा और इसका लौकिक विग्रह होता है दंडेन खंड और अलौकिक विग्रह हो जाएगा दंड टा खंड सु और विभक्तियों का लोप हो जाएगा और दंड खंड बन के सु आएगा और क्या बन जाएगा दंड खंड डंडे से किया हुआ टुकड़ा। किरणा काण किरणा काण किरणा किरी शब्द है से प्रतृतीय एक वचन में टा विभक्ति और काण शब्द से सु और विभक्तियों का क्या हो जाएगा समास होने के पश्चात में लोप हो जाएगा किरी काण है शब्द बचेगा सु लाएंगे और उसका क्या करेंगे विसर्ग कर देंगे और क्या बन जाएगा किरी काण क्या बन जाएगा किरी काण और इसका विग्रह क्या हो जाएगा लौकिक किरणा काण किरणा काण किरी रोग से काणा किरी रोग से काणा उसे क्या कहेंगे किरी काण। क्षारेण शुक्ल क्षारेण शुक्ल क्षार से सफ़ेद क्षारेण शुक्ल मतलब क्षार से सफ़ेद लगता है सफ़ेद दिख रहा है। क्षार शब्द तृतीय एक वचन का है क्षारेण तो क्षार टा क्षार शब्द से टा विभक्ति आएगी तृतीय एक वचन में शुक्ल शब्द से प्रथमा एक वचन में सु आएगा सार टा शुक्ल सु यह अलौकिक विग्रह है और इसमें हम समास करेंगे और समास करने के पश्चात क्या हो जाएगा समास कौन सा करेंगे तत्पुरुष समास करेंगे और क्या हो जाएगा विभक्तियों का लोप हो जाएगा और क्षार शुक्ल बचेगा सु लाएंगे और विसर्ग हो जाएगा सु का और क्या बन जाएगा क्षार शुक्ल क्या बन जाएगा क्षार शुक्ल। कुंकुमेन शोण कुंकुमेन शोण ये जो अलौकिक विग्रह है यह है कुंकुम शोण कुंकुम शोण केसर से क्या है लाल है। कुंकुमेन कुंकुमेन शोण कुंकुम शब्द है उससे टा और शोण से सु ये तृतीय व्यक्ति का पद है और ये प्रथमा का पद है तो तृतीय व्यक्ति का जो पद होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है तो यहाँ हम टा और सु का लोप कर देंगे समास होने के पश्चात कुंकुम और शोण बचेगा और कुंकुम शब्द पहले से ही पूर्व में है लेकिन हम नियमानुसार क्या करेंगे तृतीय शब्द तृतीय पदांत वाला विभक्ति वाला शब्द है इसलिए हम इसका पूर्व प्रयोग कर देंगे और कुंकुम शोण है और सु लाएंगे और विसर्ग करेंगे कुंकुम शोण है और पूर्व प्रयोग सभी शब्दों में हो रहा है यहाँ क्षारेण किरणा जो शब्द है दंडेन ये शब्द प्रथम पद है जो तृतीय व्यक्ति वाले हैं इसलिए इन सभी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब हम अगले सूत्र की बात करते हैं बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सूत्र है ये पूर्व सदृश समुनार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण ही पूर्व सदृश समुनार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण ही। ठीक है दोस्तों पूर्व सदृश समुनार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण ही क्या है कि दोस्तों तृतीय विभक्ति अंत वाले जो शब्द हैं उनका पूर्व सदृश सम पूर्व सदृश सम उनार्थक
शब्द कम अर्थ वाले ऊन विकल और कलह निपुण मित्र और संलक्षण शब्दों के साथ में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तृतीया तत्पुरुष समास होता है। किसके योग में होता है दोस्तों? तृतीया विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ में क्या होने चाहिए? पूर्व, सदृश, सम, ऊन, ठीक है। ऊन अर्थ वाले कौन कौन से हैं? ऊन और विकल, कलह, निपुण और मित्र और संलक्षण, ये शब्दों के साथ में क्या होता है? तृतीया तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण की बात करें, मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, यह समस्त पद है महीने भर पहले का। मास पूर्व मतलब महीने भर पहले का यह अर्थ होता है इसका। मासेन पूर्व, मास शब्द से तृतीया के एक वचन में टा और पूर्व और सु, तो मास टा पूर्व सु। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पूर्व सदृश समानार्थ सूत्र के द्वारा समास करेंगे, तृतीया तत्पुरुष समास करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकीय सूत्र के द्वारा इन विभक्तियों का लोप हो जाएगा और क्या बचेगा? मास और पूर्व है। क्या बचेगा? मास और पूर्व है, ठीक है। इससे हम क्या लेके आएंगे? सु लेके आएंगे और सु का क्या करेंगे? से बचेगा और से का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा? मास पूर्व, क्या बन जाएगा? मास पूर्व। इसी प्रकार से आपको बनाना है दिवस पूर्व, दिवसेन पूर्व, दिवस टा दिवसा पूर्व, ठीक है। दिवस शब्द का क्या बनेगा? दिवसा पूर्व, ठीक है। पक्षेण पूर्व, इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? पक्षेण पूर्व, पक्ष टा पूर्वशु। वर्षेण पूर्व, वर्ष पूर्व का क्या हो जाएगा? वर्षेण पूर्व, वर्ष टा पूर्वशु। और दिन पूर्व, दिनेन पूर्व, ठीक है, दिन टा पूर्वसु, और क्या बन जाएगा? दिन पूर्व। ये जो समस्त शब्द है ये मासेन पूर्व के समान ही बनेंगे, ठीक है। अब अगला उदाहरण है मात्रा सदृश, मातृ सदृश, मात्रा सदृश। मात्रा शब्द तृतीय विभक्ति के एक वचन का है और सदृश प्रथमा एक वचन का है, तो मातृ से टा और सदृश से सु और इन विभक्तियों का लोप हो जाएगा। मातृ सदृश बचेगा और सु विभक्ति का विसर्ग करेंगे और माता के समान, अर्थ क्या होता है? माता के समान। पित्रा सदृश, पित्रा सदृश, तो यहाँ पित्रा सदृश नहीं आएगा, पितृ सदृश होगा। क्या होगा? पितृ सदृश, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पितृ शब्द हो गया, पित्रा नहीं होगा, पितृटा, पितृटा और सदृशु, तो क्या बन जाएगा? पितृ सदृश, क्या बन जाएगा? पितृ सदृश। अगला उदाहरण है आचारेण निपुण, आचारेण निपुण, आचार निपुण समस्त पद है और ये लौकिक विग्रह है। आचारेण निपुण, आचारेण में तृतीय विभक्ति है तो तृतीय विभक्ति अंत वाला शब्द हो गया आचार से टा और निपुण और सु, तो यहाँ पर क्या होगा? विभक्ति का लोप हो जाएगा और फिर आचार जो शब्द है वह तृतीयांत विभक्ति वाला है इसलिए इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा? आचार निपुण, क्या बन जाएगा? आचार निपुण है और इसका अर्थ होता है आचरण से निपुण, आचरण से निपुण। विचार निपुण, तो इसका आपको विग्रह करना है, जैसे आचार्य आचार निपुण का आचारेण निपुण बना था इसी प्रकार से विचार निपुण का क्या होगा? विचारेण निपुण, विचारटा निपुण सु, इस प्रकार से विचार निपुण बन जाएगा और इसमें भी तृतीया तत्पुरुष समास होता है। गुणेन मिश्र, गुणेन मिश्र, गुण टा मिश्र सु, यह अलौकिक विग्रह होगा और गुण मिश्र यह लौकिक और यह अलौकिक विग्रह हो जाएगा और समास होने के पश्चात विभक्तियों का लोप होकर के गुण मिश्र, और गुण जो शब्द है यह तृतीयांत है, गुणेन तृतीयांत है इसलिए इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा और क्या बनेगा? गुण मिश्र, विभक्ति सु लाएंगे और सु के स्थान पर से बचेगा, से का रू और रू के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और क्या बनेगा? गुण मिश्र, गुड़ से मिश्रित। इसी प्रकार से शर्करा मिश्र, शर्करया मिश्र, शर्करा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है इसलिए
गुड़ेन की जगह क्या बनेगा, सरकरया बनेगा। ठीक है, तो सरकरा शब्द से टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सरकरा शब्द से क्या आ जाएगा, सरकरा। ठीक है, और इससे टा आ जाएगा, और मिस्र से क्या आएगा, सु आ जाएगा। ठीक है, दोनों का लोप हो जाएगा और सरकरा मिस्र है शब्द बचेगा, और सरकरा का पूर्व प्रयोग हो जाएगा तृतीयांत पद होने के कारण, और क्या हो जाएगा, सरकरा मिस्र है, क्या बन जाएगा, सरकरा मिस्र है। गुड़दाना, गुड़दाना जो शब्द है दोस्तों, इसमें भी तृतीयांत समास होगा, गुड़ेना मिश्रः, क्या होगा, गुड़ेना मिश्रः दानः, गुड़ेना मिश्रः दानः, और क्या बन जाएगा, गुड़दानः। मासेन ऊनम, मासेन ऊनम, मासेन ऊनम में क्या होगा दोस्तों, मासोणम जो समस्त पद है, मासेन ऊनम लौकिक विग्रह होता है, मास टा और ऊन सु यह अलौकिक विग्रह होता है, और इसका अर्थ होता है एक उड़द भर कम, एक उड़द भर कम, और क्या बनेगा, मासोणम। एकोनम और त्रयोनम और दान्योनम ये भी क्या बनेंगे, इसी के समान बन जाएगा। ठीक है, एकेन, एकेन ऊनम, ठीक है दोस्तों, और त्रयेण ऊनम, धान्येन ऊनम, और क्या बन जाएगा, धान्योनम, त्रयोनम, एकोनम। ठीक है दोस्तों, आप सभी बनाने का प्रयास करें, तीनों शब्द, तीनों सामासिक पद है जो मासेन ऊनम, मासोनम की तरह बनेंगे। इसी प्रकार से पादे, पादेन ऊनम, पादोनम, एक चौथाई कम, एक चौथाई कम, पादटा ऊनसु, पादटा ऊनसु, और समास होने के पश्चात टा और सु का लोप हो जाएगा, पाद में जो ए है और ऊन का जो ऊ है, ए और ऊ इसको मिलकर के ओगुण होता है, तो दे में ओ की मात्रा लगेगा, पादो, और बाद में ने, पादोन हो गया, और पादोन के बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, सु, क्योंकि ऊन शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए ये नपुंसकलिंग हो जाएगा, और क्या बनेगा, पादोनम, क्या बन जाएगा, पादोनम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये भी मासोनम, ऊन शब्द पीछे वाला जो ऊन है वह नपुंसकलिंग है, इसलिए सभी पद क्या हो जाएंगे, नपुंसकलिंग के हो जाएंगे, नपुंसकलिंग में एकोनम, त्रयोनम, धान्योनम। ठीक है, इस प्रकार के रूप बन जाएंगे। वाचाकलह, वाचाकलह, बोली का झगड़ा, वाणी से झगड़ा करते हैं, बोलकर जो झगड़ा करते हैं उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, वाचाकलह या वाक्कलह, वाक्कलह, वाक्कलह। ठीक है, वाच और यहाँ कलह है, दो कर, कह दो कर दिए हैं इसलिए एक कह रखेंगे, वाक कलह। ठीक है, वा आधा कह, फिर पूरा कह और कलह। ठीक है, क्या बनेगा, वा कह, वाक कलह। ठीक है दोस्तों, वाक कलह, वाच टा और कलह सु विभक्ति का लोप हो जाएगा, और वाच तो शब्द है दोस्तों, पूर्व प्रयोग हो जाएगा क्योंकि इसमें तृतीय विभक्ति हुई है वाचा, और चे के स्थान पर कुत्व कह हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, वाक कलह, क्या बन जाएगा, वाक कलह, सु आएगा और इसका विसर्ग हो जाएगा, वाक कलह। वाचा निपुण, वाच, वांग निपुण, वांग निपुण। ठीक है दोस्तों, वाच में टा विभक्ति है, निपुण में सु है, विभक्ति का लोप हो जाएगा, वाक और चे का क्या हो जाएगा, अंगे बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इश्चुत्व हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, वांग निपुण। वांग निपुण के बाद में अगला उदाहरण है दोस्तों, अब हम आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, धन्यवाद।